हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं गौतम जौली और आप देख रहे हैं ब्रेन चैलेंज यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी के टाइम में हम लोग जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन ले रहे हैं उनमें गूगल डायलर को दिया जा रहा है। अब गूगल डायलर देने से क्या हो रहा है कि हम लोग के फ़ोन में कहें तो जितने भी एक नंबर होते हैं, जैसा कि अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे कहें तो फ़ोन हैं जिनमें गूगल डायलर ऑफिशियली ऐप्स को दिया जा रहा है। जैसा कि पहले क्या होता था, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहले हम लोग अपने कॉन्टैक्ट के लिए पर्सनल फ़ोटो को सेट कर लेते थे। मान लिया जाए कि आप लोग आपका कोई फैमिली मेम्बर है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, तो वहाँ पर उसका फ़ोटो को भी आप सेट कर पाते थे। लेकिन गूगल डायलर जब से आया है तो इस ऑप्शन को ही बंद कर दिया है और गूगल डायलर में आपको कहीं पर भी ये फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं एक कॉन्टैक्ट को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाना चाहूँगा। 399 पर क्लिक कीजिए या फिर आप एडिट कॉन्टैक्ट पर जाइए तो यहाँ पर आप फोटो को नहीं शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीका से फिक्स करेंगे। अगर आपके भी फ़ोन में गूगल डायलर एप्लीकेशन को दिया गया है तब भी आप अपने फ़ोन में पर्सनल फोटो को सेट कर पाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, गूगल डायलर में कॉन्टैक्ट फोटो को सेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ऐप्स डाउनलोड करना होगा। लेकिन बहुत लोग कहेंगे कि तुम ऐप्स को क्यों डाउनलोड करवा रहा है। देखो, इस ऐप्स को मात्र आपको डाउनलोड कर लेना है। आप सेट फोटो कर लोगे तो इस ऐप्स को भी तुम डिलीट भी कर सकते हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसा कि इस ऐप्स को कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले तुम इस वीडियो को देखो। इस ऐप्स को डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपली इसे ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद हम लोग के पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। टैप टू स्टार्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ कर देना है। गैलरी वाले सेक्शन पर जाकर के आप अपना कोई फेवरेट फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, चलिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूं जो काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस फोटो को यहां पर सिलेक्ट कर लिया, इसे क्रॉप कर लेता हूं। क्रॉप कर देने के बाद चलिए मैं यहां पर आ जाता हूं, अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब किस कॉन्टैक्ट में इस फोटो को आप सेट करना चाहते हैं वहां पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन का जो मेरा नंबर है उसमें मैं इस फोटो को सेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट भी दिए गए हैं। सेट कॉन्टैक्ट फोटो के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं ओके का बटन आ रहा है, इस पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। ओके के बटन पर क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेट करने होंगे, और वेट करने के बाद ये मेरे फ़ोन में बहुत ही शांत तरीका से सिंपल तरीका से सेट हो चुका है। अब ये सेटिंग्स जो हो चुकी है, चलिए मैं इस ऐप्स को ही अब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि चलिए मैं इस ऐप्स को यहाँ से अब डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर देने के बाद मैं फिर से अपने कॉन्टैक्ट में जाऊँगा और देखूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में मेरा फ़ोटो आ चुका है। तो यह एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन था जो हम लोग अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट फ़ोटो को बहुत ही शांत तरीका से सेट कर सकते हैं। तो यह तो बहुत ही एक सिंपल तरीका था जिससे आप बहुत ही आसान तरीका से आप अपने फ़ोन में आप शेयर कर पाएंगे। लेकिन अभी आपको एप्लीकेशन का नहीं पता है कि एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है सेट कॉन्टैक्ट फोटो। ठीक है, एप्लीकेशन का तो वही नाम था, सेट कॉन्टैक्ट फोटो। तो इस तरीका से आपको लिख करके सर्च करना है, और आप देख सकते हैं एक छोटा सा ऐप्स है जो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हो यही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर पर से। तो यह ऐप्स काफ़ी अच्छा है और इसी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।